कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर कोविड का टीकाकरण करा रही है। सोमवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 72 केंद्रों पर कुल 19,837 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें 18 से ऊपर के 8,217 लोगों को और 45 साल से ऊपर के 11,620 नागरिकों का टीकाकरण किया गया। टीका लगवाने को लेकर जिला अस्पताल में लोगों में काफी उत्साह देखा गया। जिला महिला अस्पताल में 45 साल के ऊपर के लोगों को कोविड शील्ड और संक्रमण वार्ड में कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। 18 साल के ऊपर वालों का टीकाकरण जिला अस्पताल के MRI विभाग में किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कोरोना का टीकाकरण कराने वाले लोगों ने कहा, प्रशांत त्रिपाठी, मैं रुस्तमपुर से आया हूँ। जी, वैक्सीनेशन लगवा लिया। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो फिलहाल तुरंत मैं लगवा पाया हूँ। बोला गया कि एक घंटा बैठ के आप लोग जाइएगा यहाँ से। बाकी लोगों से क्या कहेंगे? जी, बाकी लोगों से क्या कहेंगे? बाकी लोग से यही कहेंगे कि लोग आके वैक्सीनेशन लगवाएं, अपना ध्यान रखें। मतलब वैक्सीनेशन लगाने के बाद आयुष नाम है मेरा, आयुष श्रीवास्तव। बोल कर हाँ लग गया। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी लोग ये कहना चाहेंगे, सभी लोग वैक्सीन लगवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। शिशु श्रीवास्तव, वैक्सीन वगैरह ठीक ही लगा। बाकी लोग क्या कहना? अभी वैक्सीन लगवाइए और दूसरों से प्रेरित करिए वैक्सीन लगवाने भी। जितेंद्र पूरा घाट से, बाकी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन के प्रति जो लोगों ने भ्रांतियाँ पाल रखी है उसको तोड़ें और जितना अधिक से अधिक 18 से 44 साल के और 45 से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपना वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन सेफ है और वैक्सीनेशन ही एक उपाय है। वैक्सीनेशन के साथ साथ हम जो प्रिकॉशन सरकार ने गाइडलाइन में जो दिया है उसका भी हम पालन करें, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर कराएं। वैक्सीनेशन के प्रति जो भी लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं वो गलत हैं, वैक्सीनेशन बढ़ चढ़ के करें।